दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं आपके नाम की महत्ता। आपके नाम का भविष्य से बहुत कुछ लेना देना होता है, क्या ये आपको पता है? और आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती है, और उस चीज को अगर हम परख लेते हैं या किसी अच्छे मार्गदर्शन किसी की ओर से अगर मिल जाता है तो हम भविष्य में अपनी भविष्य अच्छा अच्छा बना सकते हैं। और नाम के साथ साथ और एक चीज़ होती है जो हम रोजिंदा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं, वो होती है सिग्नेचर। तो वो सिग्नेचर भी आपको पता है कि वो सिग्नेचर की वजह से भी आपको बहुत सारी जो आपकी प्रगति है या आपका जो भी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो रही है तो वो सिग्नेचर की वजह से भी इफेक्ट होता है अपनी लाइफस्टाइल में या वॉट एवर हमारा फ्यूचर्स में। तो इसी संदर्भ में आज आइए आपकी मुलाकात करते हैं साईनाथ भोसले, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है और लास्ट 5 ईयर से ये चीज़ में एक्टिव है, और बहुत सारी उनकी सक्सेस स्टोरीज हो चुकी हैं जो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए हैं। साईनाथ भोसले जी, नमस्कार। नमस्कार, सत्ताक्ष न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कुछ सवाल है हम न्यूरोलॉजिस्ट के संदर्भ में आपसे पूछेंगे। हमारा पहला सवाल है, आपको यह कैसे पता चलता है कि एक आदमी का नाम उसके भविष्य के साथ जुड़ा होता है? देखिए, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जब इस संसार में आता है, समाज में आता है, तो उसको नंबर से तो नहीं जाना जाता, उसके लिए उसका एक नामकरण विधि करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या जो भी पंडित जी होते हैं, उनसे हम लोग उसकी जन्मकुंडली दिखाकर उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट्स का नाम सुनते हैं, और उस नाम से, उसके शुभ नाम से उसका नाम रखा जाता है। तो उसी प्रकार उसका नाम रखने के बाद ही उसको एक समाज में नाम मिलता है, उसी नाम से उसकी पहचान होती है। सवाल नंबर दो, आप किसी के नाम के कैलकुलेशन जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आदमी कौन से बिजनेस में या कौन से जॉब में वो ग्रोथ कर सकता है? जी जरूर, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो पूरा नंबर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे उसके कोई भी एक बंदा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसके डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल नंबर जो होता है, एक उदाहरण से लेते हैं 1305-1986, ठीक है। तो इसमें 13 जो हुआ उसका मूल्यांक होता है, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल होती है, जो उसका भाग्यांक होता है। तो ये दो जरूरी मूल्यांक और भाग्यांक को देखा जाता है, और उसी हिसाब से उसके नाम को उस डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जाता है, ताकि वो उसको लाभदायक रहे, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों को लेकर वो उसका नाम जो है, उसके नाम के वाइब्रेशन हम डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन से मिला कर देते हैं। तो ये जो नाम के वाइब्रेशंस, जो आपने ये वर्ड यूज किया वाइब्रेशंस, वो कैसे, मतलब आप थोड़ा सा उसमें अगर डिटेल्स में समझा सके हमें, कैसे वो वाइब्रेशंस आज, यस यस यस, आज पूरा जो यूनिवर्स जो काम कर रहा है, ये सारा एक तो एनर्जी और वाइब्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए या यूनिवर्स में देखा जाए, तो ये पूरी दुनिया नंबर्स के ऊपर ही काम कर रही है।
अब कहीं पे भी देखोगे तो सब चीजें नंबर से रिलेट करती है, ठीक है। अल्फाबेट्स में भी कुछ, हर एक स्पेसिफिक अल्फाबेट्स को एक यूनिवर्सल नंबर होते हैं, तो वो यूनिवर्सल नंबर ही वो अल्फाबेट को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर उसके मीनिंग्स होते हैं। जो मीनिंग हमें अगर पता चल जाए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ हमें क्या कहती है, तो वो हमें अब आगे बढ़ने के लिए करियर में, जॉब में, प्रोफेशन में, फाइनेंस रिलेटेड जो भी सब जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो ये हमें बहुत आसान करता है। और हमें जो रुकावटें आती है वो रुकावटें हमें पार करने के लिए आसान कर देता है न्यूमरोलॉजी। अच्छा, तो हर एक नंबर्स की डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस होती है या आपके? यस यस, उसके मीनिंग्स भी होते हैं। वो वाइब्रेशंस, अगर वो नंबर की वाइब्रेशंस है, सपोज वो नंबर मेरे मूल्यांक में या कहीं पे वो नंबर्स है, तो वो वाइब्रेशंस मुझे अफेक्ट करता है, वो नंबर्स के वाइब्रेशन मुझे अफेक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान को, हमारा सवाल नंबर 3 है, अगर किसी इंसान का अगर नाम, जैसे कि रखते हैं बचपन में, हम तो रखते नहीं, हमारे पेरेंट्स रखते हैं और कोई रिलेटिव्स या बुआ वगैरह रखते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम अपने हिसाब से रख देते हैं या जो भी उनका अच्छा लगता है रख देते हैं, तो क्या ऐसे गलती से कुछ ऐसे नाम कोई रख दे और उसका अगर कुछ, उसका जो मूल्यांक है जो आप बता रहे थे, वो अगर भी ठीक से ना बैठता हो तो उसको अफेक्ट होता है उसकी लाइफ में? कि उसका डेट ऑफ बर्थ अगर उसके नाम से अगर मैच नहीं है तो उसको उसका अफेक्ट करता है। वो अगर उसके एनिमीज नंबर में है या उसके फ्रेंड्स नंबर में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल नहीं है तो उसको अफेक्ट करेगी। और बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम अभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका जो इनिशियल नेम का कभी कभार अल्फाबेट से ही प्रॉब्लम्स होता है। अगर वो क्लाइंट चाहता है कि मेरा पूरा का पूरा नाम मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से, नए नाम से मुझे करना है, तो उस हिसाब से भी हम उसको करके देते हैं। अगर वो नहीं चाहता है कि मुझे वही नाम चाहिए, तो कुछ अल्फाबेट्स को हम लोग उसमें ऐड करके उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर हम मिलाकर उसको देते हैं, ताकि वो उसको आगे जाके उसके करियर में ग्रोथ दे सके। ओके, तो मतलब नाम चेंजेस, नाम का कुछ चेंज करना पड़ता है, अल्फाबेट्स वगैरह चेंज करना पड़ता है जी, या कुछ एडिशनल कुछ, जैसा भी मैंने सुना है और आपने भी, आपको भी पता ही होगा ज्यादातर तो, कि कोई ए लगा देता है, कोई के लगा देते हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो हमें? सेलिब्रिटीज जो होते हैं, ठीक है ना, अभी बहुत सारे लोगों का आपने अगर देखा होगा, जैसे अजय देवगन पहले अपने पूरे नाम में देवगन का जो स्पेल था, DEGAN करके था, देवगन, ठीक है ना, तो अभी उसमें से उन्होंने ए हटा दिया है, ठीक है, और उसके वाइब्रेशन को उन्होंने मैच कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी धोनी को आपने देखा होगा, उसका लकी नंबर है 7, क्योंकि वो बाय बॉर्न 7 है, तो वो उसी जर्सी को लेकर जब से उसने करियर स्टार्ट किया है वो उसी नंबर को फॉलो करता है। इसे बहुत सारे हमारे आंखों के सामने उदाहरण है, जैसे अभी मूवीज जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, मूवीज के जो नाम देखते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी फिलहाल फेब में एक मूवी तानाजी करके रिलीज हुई थी, ठीक है ना, जब उसका शूटिंग चल रहा था, तो जब उसके शूटिंग के दौरान अगर उसका नाम का अल्फाबेट देते हुए तो तानाजी करके था, उसमें ए था, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद जब रिलीज होने के बिफोर उसको एच कर दिया, यानी तानहाजी कर दिया। तो अगर सब ये लोग सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि हम जैसे सामान्य लोग जो होते हैं, जिनको इस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू अगर सजेशन लेके अगर ये करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, उनको ग्रोथ मिल रही है, उसी प्रकार से हमें भी अपने लाइफ में वो ग्रोथ मिल सकती है। भी समझो कि किसी
किसी ने नाम चेंज किया है या करना चाहता है बट उसकी एज एक पर्टिकुलर उसकी जैसे कि एक बिजनेस एज होती है या 40-50 शादी हो गए 45-50 या उसके बाद और उसको पता चलता है या लेट पता चलता है तो क्या उसने नाम चेंज करना चाहिए कि उसमें कुछ फिर उसका कुछ फायदा नहीं है फिर इतना लेट नाम चेंज करके। एज का इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये अगर रिटायरमेंट का आदमी अगर रिटायर हो चुका है अपने करियर के लाइफ से और इनिशियल से उसको अगर ये चीज के बारे में पता चलता है और उसी वक्त अगर वो उसको फॉलो करता है और चेंज करना चाहता है तो पिछले 60 साल के दौरान उसने जो कुछ भी किया या जो ग्रोथ रेशियो में उसने अपनी करियर कंप्लीट किया 60 साल उसके बाद भी कई गुना वो उसमें बढ़ोतरी ला सकता है। यानी नाम और डेट ऑफ बर्थ ये ऐसी चीज है कि जो सक्सेस हमें पाना चाहते हैं लोग वो हमें इजीली नहीं मिलता, हम लोगों को उसके पीछे भागना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर डेट ऑफ बर्थ से अगर हमारा नाम अगर मैच कर लिया और उस हिसाब से फॉर्मेट अगर सिग्नेचर का कर लिया तो सामने से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, बहुत सारी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कभी मन में सोचा भी नहीं था कि यार मेरे को इतने अच्छे सैलरी वाला जॉब ऑफर सामने से आ सकता है, या शादी के रिलेटेड होता है, बहुत अच्छा लड़के को लड़की मिलती है, लड़की को लड़का मिलता है, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे गेम है वाइब्रेशन का, जैसे ही वाइब्रेशन आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लिए वैसे पूरा जो आपका ये ज्योमेट्री जो होता है वो पूरा का पूरा घूम जाता है और इजीली सारा चीज अपने आप सामने से हमें चल कर आता है। ओके, तो आप जैसे बता रहे हो कि वाइब्रेशंस चेंज होते हैं नंबर से ये है, तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट है जो अंक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में उसको, तो उसका मतलब होता है कि 1 से लेके 10 नंबर्स रहते हैं उसके बीच में ही सब पूरा उनका ये है ज्ञान है। हाँ, तो ये जो अंक शास्त्र है न्यूमरोलॉजिस्ट है और एस्ट्रोलॉजी है जो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने जितने लोगों से मिला हूँ ज्यादा लोग अभी भी एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा फॉलो करते हैं बजाय न्यूमरोलॉजिस्ट को, न्यूमरोलॉजी को। तो आप पहले तो ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस है कि दोनों कहीं ना कहीं सेम है, और डिफरेंस है तो क्या है और सेम है तो क्या है और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। देखो एस्ट्रोलॉजी का अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत सारे लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे पीढ़ियों से अपने फैमिली में ही कोई ना कोई उसको फॉलो करते आ रहा है, वो इजीली उसको अडॉप्ट कर लेता है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में अभी पूरे इंडिया में अगर देखा जाए या नॉर्मल आदमी जो है उनमें उतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अवेयरनेस कब आता है, जब उनके ही सर्कल में कोई बंदा है जिसने उसको फॉलो किया है और उसको उसके रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, वो जल्दी उस चीज को अप्रोच हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कैसे होता है कि उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके अगेंस्ट भी जाती है उनके फेवर में भी जाती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हर एक नंबर के वाइब्रेशन अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में है तो वो नंबर उसको उसके 100% ही रिजल्ट, वो भले आदमी इंडिया का हो या कहीं और जगह से। तो न्यूमरोलॉजी में एक्यूरेसी 100% है और एस्ट्रोलॉजी में मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन उसका अगर रेशियो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 80-85% होता है। तो इसमें ग्रहों जो आपने ग्रह बोले जैसे कि ग्रह दैट मीन्स कि विनस हो गया, सैटर्न हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो वो ग्रह न्यूमरोलॉजिस्ट में कुछ अफेक्ट नहीं करते या उसके साइंस में उसको कुछ लेना देना नहीं उस चीज से है ना। न्यूमरोलॉजी में भी वो ग्रह का ही रहते हैं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर वो ग्रह नहीं है जैसे अभी 5 नंबर और 6 नंबर अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है तो उसको फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो हम लोग कैलकुलेशन में
फाइव नंबर्स अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो हम लोग कुछ उसको रेमेडीज देते हैं जिसके वजह से उस चीज को अगर वो फॉलो करता है तो उसको वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्व हो जाते हैं। अभी और एक न्यूरोलॉजिस्ट में चीजें हैं जो आजकल ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत एक्टिव हो गया है, वो है सिग्नेचर। ये सिग्नेचर क्या है, कितना इफेक्ट करता है? सिग्नेचर देखो, हर एक आदमी का एक नाम होता है, सरनेम होता है, और जो पिताजी के नाम डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग तो डालते हैं। लेकिन सिग्नेचर ये क्या होता है पता है? सिग्नेचर मीन्स कैरेक्टर, आप क्या हो ये सिग्नेचर हमें बताती है, ठीक है। अब वो सिग्नेचर में अगर क्लैरिटी नहीं है, सिग्नेचर में अगर लिखने का जो तरीका है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके करियर में भी वो अप डाउन्स रहते हैं। किसी किसी के सिग्नेचर ओवरराइट होते हैं तो उसका भी एक मीनिंग होता है। किसी किसी के सिग्नेचर में खुद का नाम ही नहीं होता है, बस कुछ ना कुछ किसी का फैमिली में उसको कॉपी करके लिखा जाता है। तो वो अगर सिग्नेचर में खुद का प्रेजेंस ही नहीं है, खुद का कैरेक्टर ही अगर वो सिग्नेचर में नहीं है, तो फिर उसका करियर या उसकी लाइफ कैसे ग्रो करेगी? तो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उसकी सिग्नेचर भी बहुत जरूरी है, और उसमें भी उसकी अगर क्लैरिटी है, वो ग्रोथ में है, तो उसी हिसाब से उसको उसके रिजल्ट अपने डे टू डे लाइफ में मिलते रहते हैं। अगर किसी की सिग्नेचर जैसे कि बहुत सालों से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसने बहुत सालों से उसका नाम सालों से रखा हुआ है और उसने लेट चालू किया, वैसे सिग्नेचर अगर बहुत सालों से वो एक ही सिग्नेचर करते आ रहा है, तो अगर अभी बदलाव करता भी है तो तुरंत उसका इफेक्ट होता है या इट विल टेक टाइम? ये जो सिग्नेचर जो है वो एक हमारे माइंड का पैटर्न बन चुका है, ठीक है। कैरेक्टर हमारा कब बन रहा है, वो हम लोग अल्फाबेट्स के लिखने के तरीके से वो हमारे एक माइंड में सबकॉन्शियस में पैटर्न बन जाता है। जैसे ही आप अपने सिग्नेचर का पैटर्न चेंज करते जाते हो, उसी तरह से या उसी दिन से आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो सामने से आपके आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे लेने के पहले हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 90 डेज आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि उसका फॉर्मेट जो है लिखने का वो सही हो रहा है कि नहीं, उसके कुछ अल्फाबेट्स में चेंजेस है कि नहीं, या कुछ गलत हो रही है कि नहीं, वो देखना भी बहुत जरूरी होता है। और जब तक उसकी एक्यूरेसी नहीं आती सिग्नेचर में, तब तक हम उसको डॉक्यूमेंट्स पे लेने के लिए मना करते हैं। अच्छा, तो सिग्नेचर में ज्यादातर क्या ध्यान देना चाहिए? सिग्नेचर में एक तो इनिशियल का नाम का जो अल्फाबेट्स होता है वो बड़ा होना चाहिए नॉर्मल हैंडराइटिंग से। उसके बाद उसकी सिग्नेचर अपवर्ड में होनी चाहिए 45 डिग्री ग्रोथ में। उसके बाद उसके सिग्नेचर में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके सिग्नेचर में किसी भी अल्फाबेट्स को ओवरराइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी सिग्नेचर में उसकी डेटो सिग्नेचर का फॉर्मेट में डॉट्स बीच में नहीं होने चाहिए। ये डॉट्स भी बहुत ही इफेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर में, अपने सिग्नेचर में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग जब कंसल्टेंस करते हैं क्लाइंट्स का, तब उसमें हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं ताकि उसको उसके हिसाब से उसके रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए। सिग्नेचर्स और नेम दोनों बदल सकते हैं, ये पॉसिबल है। यस, उससे इफेक्ट भी होता है, लाइफस्टाइल भी इफेक्ट होती है और हमारा ग्रोथ भी इफेक्ट होता है, ये आपका कहना है? यस यस। तो आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसको बहुत ही कुछ चेंजेस आए हो ये दोनों चीजों से? जैसे अभी मेरे क्लाइंट्स में भी बहुत सारे जो लोग हैं कि कुछ ऐसे फील्ड में हैं जिनको वहां पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो वो तो उनकी एक नीड थी क्योंकि उनका फैमिली है, उनको उस फैमिली को अपने ही
वो जॉब के थ्रू उनको संभालना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहीं और है, ठीक है ना। यानी उसका इनर जो इंटरेस्ट जो होता है, जब हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि उसको कहाँ होना चाहिए उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। और अभी वो करंट में है कुछ अलग ही जगह पे, तो जाहिर सी बात है वो काम जो कर रहा है वो मजबूरी से कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी एक नंबर के लोग जो लोग रहते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी यानी क्या, उनको हर टाइम उसको खुद को शो ऑफ करना होता है या लीड करना पड़ता है, तो वो अगर वैसी जगह पे नहीं है तो उनकी लाइफ कैसे ग्रो करेगी, ठीक है। जैसे दो नंबर के जो लोग होते हैं, वो दो नंबर के लोग मैक्सिमम जो रहते हैं डायरेक्टर्स, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रहते हैं एक्टर, सिंगर्स, राइटर्स, तो इस तरह से रहते हैं। तो ऐसे एक से लेकर नौ तरह के जो नंबर्स है, उसमें हर एक फील्ड के लिए, मतलब हर एक नंबर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको वहीं पे अगर हम लोग उनको बिठा दिया जाए तो वो इजीली वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, उनको जो स्ट्रगल रहता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। बहुत सारी जानकारी तो हमको मिली गई है आपके थ्रू, क्या होता है न्यूरोलॉजिस्ट के, क्या फ़ायदे हैं और कैसे उससे हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी आपने दी। उसके लिए सताक्षी न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक चीज़ है कि हमारे कोई व्यूवर्स को अगर आपसे कुछ अभी बातें करनी हो या कॉन्टेक्ट करना हो, काउंसलिंग करनी हो, कुछ भी चीज़ करनी हो, तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपसे? जी, मेरा फेसबुक पे हील ऑरा करके एक मेरा खुद का ऑफिशियल पेज है, इंस्टा पे ऑलरेडी मेरा एक पेज है हील ऑरा 9 करके, तो वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और आपके जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगी वहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सके। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू।